सभी वैष्णव जनों का श्रीमद् भागवत पुराण में स्वागत है। और आज हम भागवत पुराण का दूसरा अध्याय पाठ करेंगे, स्वाध्याय पाठ करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, गीता का पाठ हम सभी सनातनियों को प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक बना रहता है, एक घर में शांति रहती है। क्योंकि आजकल के समय में हर कोई कहीं ना कहीं अशांति से घिरा हुआ है, सबको अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अशांति घेरे हुए है। तो उन सब का अगर हमें एक सॉल्यूशन चाहिए तो वो हम भागवत गीता के शरण में आकर ही ले सकते हैं। क्योंकि भागवत गीता साक्षात कृष्ण स्वरूप है और कृष्ण जी साक्षात भागवत जी में समाए हुए हैं और एक एक श्लोक श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ है। और कलयुग में यही पुराण हमारी नैया को पार लगाएगा। इनकी शरण में आके हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और भागवत पुराण को आप कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं, इसका कोई बंदिश नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से तो अपन पढ़ सकते हैं। भले आपके पास समय नहीं हो तो आप भले 5 मिनट की भागवत पुराण पढ़ो या एक अध्याय पढ़ो या 5 लाइन पढ़ो, लेकिन नियमित पढ़ो और आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस पुराण के अंदर मिलेंगे। आपको जीवन जीने की कला इसमें सीखने को मिलेगी। इसलिए भागवत पुराण का हमें अध्ययन करना चाहिए। और इसी वजह से मैंने भागवत पुराण का स्वाध्याय करने का निर्णय लिया है। और कोशिश ये रहेगी कि रोज़ एक अध्याय पढ़कर आपको सुना सकूं। और चाहिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जय श्री राधे ज़रूर लिखिए। आप सनातनी हैं और हमें अगर हमारे धर्म से जुड़ना है तो कम से कम एक जयकारा तो सुनते समय भी आप लगा ही सकते हैं। इससे मेरा आत्मबल भी बढ़ेगा, आप सभी को प्रभु का आशीर्वाद भी मिलेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए अब हम हमारा अध्ययन की बेला में आगे बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भागवत महापुराण की पूजन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना, इसके बारे में आज हम दूसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे देवी तू दुखी ना हो, भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुख को अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट को दूर किया है और कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा भी की है, अपने भक्त राज अम्बरीश की भी रक्षा की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है, तेरे बुलाने पर तो वे पापियों से भी पापियों के यहाँ चले आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति मोक्ष को देने वाली है। एक समय तूने भगवान से पूछा था कि मैं क्या कार्य करूं, तब भगवान ने तुझसे यही कहा था कि तू भक्त जनों को पुष्टि प्रदान कर, उन्हें शक्तिशाली बना, तब मुझे ज्ञान वैराग्य दो पुत्र तब तुझे ज्ञान वैराग्य दो पुत्र और मुक्तिदासी प्राप्त हुई थी। तेरा असली स्वरूप वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करना है, इस मनुष्य लोक में तो केवल छाया रूप में ही रहती है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति छीन हो गई और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर भी वह आती है और पुनः चली जाती है। ये ज्ञान वैराग्य तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं, किंतु कलयुग में इनका सम्मान
ना होने के कारण वृद्धावस्था को चले गए हैं, किंतु तू चिंता ना कर, मैं इन तेरे दोनों पुत्रों को सजग कर दूंगा और तेरा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करा दूंगा। मैं हरिभक्त ना कहाऊँ तो जो ज्ञान वैराग्य भक्ति को घर घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित ना कर दूँ। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है, भक्ति के बल से भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं और वे भक्ति के ही बस में रहते हैं। जो मनुष्य भक्ति का तिरस्कार करता है वह भगवान द्वारा नाश को प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, नारद जी के इस प्रकार उत्साहित करने पर भक्ति के संपूर्ण अंग बलिष्ठ हो गए और वह बोली, हे नारद जी, आप परम भक्त हैं, आप मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सदा आप में निवास करूंगी, आपको त्याग कर अन्यंत्र कहीं न जाऊंगी। आपने मेरे कष्ट को कम किया है, अब कृपा करके मेरे इन पुत्रों के कष्टों को भी दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भक्ति के ऐसे करुणाजनक वचन सुन नारद जी को बड़ी दया आई। वे उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य को हिला हिला कर सचेत करने लगे, किंतु वे सचेत ना हुए। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए, गीता के संपूर्ण अध्यायों का पाठ किया करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग्य उठ तो गए, किंतु निद्रा जनित आलस के कारण जमाई लेने लगे, उनके लेश बिल्कुल श्वेत हो गए, शरीर जर्जित हो गया। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों की यह दशा देखकर नारद जी को अधिक चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप दुखी ना हो, आपका यह प्रयत्न व्यर्थ ना होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि ऋषि लोग आपको बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग्य जागृत हो पुष्ट बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को न समझ पाए और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर चिंता व्याकुल होकर संत शिरोमणि की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते अनेकों ऋषियों से मिले, अनेकों तीर्थों में गए, किंतु उनके इस अर्थ को कोई न समझ सका। कोई संत कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता के पाठ से भी ज्ञान वैराग्य सचेत नहीं हुए, तब उनका सचेत होना अति दुर्लभ है। और कोई संत कहने लगे कि जब नारद जी जैसे परम ज्ञानी ब्रह्मा के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य को जीवन दान ना दे सके, तो अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उन्हें सजग कर सकें। नारद जी चिंताकुल होकर इसी प्रकार भ्रमण करने लगे और ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारणार्थ तप करने के लिए बद्री वन में चले गए। वहाँ उन्हें संत शिरोमणि सनकादिक ऋषियों के दर्शन हुए। नारद जी कहने लगे, हे संत शिरोमणियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो आप मुझे दर्शन हुए। आप परम ज्ञानी पूर्वजों के भी पूर्वज ब्रह्मा के मानस पुत्र सदा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले हैं। आप लोग निरंतर हरि शरणम मूल मंत्र का जप करते हैं और बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। हरि कीर्तन ही आपका मुख्य कर्म है। मैं अति दुखी हूँ, मुझे आकाशवाणी का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। आकाशवाणी में ज्ञान वैराग्य के उत्थान हेतु किस साधन को बताया गया है? सनकादिक बोले, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर करते हैं, आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों के ज्ञान वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए गए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाले हैं, किंतु मोक्ष देने वाले नहीं हैं। मोक्ष का देने वाला साधन जिससे भगवान की प्राप्ति होती वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश दिया है वह हम आपको बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये 4 यज्ञ स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं, किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा गया है और वह है श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानियों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति ज्ञान वैराग्य को फल प्राप्त होगा और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत की ध्वनि से कली काल के संपूर्ण पाप इस प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना से वन्य पशु दूर हो जाते हैं। नारद जी कहने लगे, हे महात्माओं, मैंने वेदों की ध्वनि, वेदांत घोष, गीता का पाठ करके उनको सचेत करने का उद्योग किया था, किंतु इतने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य सचेत ना हुए। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से वे कैसे जागृत हो सकते हैं? नारद जी के यह वचन सुनकर सनकादिक बोले, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा
वेद वेदांत और उपनिषद इन सभी के तत्व से रची गई है, इसलिए यह उनका तत्व रूप फल होने के कारण अति उत्तम है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखा जड़ तना ग्राह्य नहीं है किंतु उसका फल ग्राह्य है, जिस प्रकार दूध से निकला हुआ तत्व रूप घृत ग्राह्य है, उसी प्रकार ईक के तना पत्ती इत्यादि ग्राह नहीं है किंतु उसका रस ग्राह्य है, इसी प्रकार वेद वेदांत का सार यह श्रीमद् भागवत फल स्वरूप होकर ग्राह्य है। श्री व्यास जी ने आपको 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, जिसके सुनने से आपके सब कष्ट दूर हो गए थे। आपको उसी भागवत पुराण की ध्वनि करनी चाहिए, उसी से ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर होगा। यह सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वरों, आपके दर्शनों से और उपदेशों से मेरे हृदय को शांति मिली है। मैं अब प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करूँगा, उसी से संसार के मनुष्यों का अज्ञान तथा मोह दूर होगा। इसके साथ दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है और कल हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला कलिकाल काले कपाल मालांगित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि बोल हरि बोल हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण।